अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आयरा मम्मा किचन में आप लोगों का सबका इस्तकबाल है। सो आज हम बनाने वाले हैं टर्किश चिकन। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोगों को लगने वाले हैं। सो देखते हैं, ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है जो कि मेरे पास बोन था, बोन वाला चिकन था, तो मैंने उसको ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। आप लोग विदाउट बोन लेना क्यूब स्टाइल में, तो वो ज़्यादा बेटर बनता है। सो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है एक बड़ा टेबलस्पून, और ये मैंने एक टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, और ये हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर जो मैंने इसको कूट लिया है, ये अपना एक टीस्पून है, और ये भी एक टीस्पून। हमारे पास ऑरिगेनो है, ये हम लोग ने एक बड़ा चम्मच भर के केचप ले लिया है, और ये हमारा नमक। तो गाइस ये हम लोग ने ले लिया है नमक एज़ पर योर टेस्ट, और ये मैंने ले लिया है जिंजर पाउडर जो कि है एक टीस्पून है, और ये हमने आधा टेबलस्पून ले लिया है चिकन पाउडर, और ये हम लोग ने आधा टेबलस्पून सेम ले लिया है वाइट पेपर पाउडर, ये हमारे पास 1 टीस्पून, और ये है कसूरी मेथी जो कि इसमें नहीं यूज़ होती पर हम लोग एक इंडियन टच के लिए इसको यूज़ करेंगे, और ये मैंने ले लिया है धनिया पाउडर जो कि है 1 टीस्पून, और ये भी 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और ये हम लोग ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर जो कि तीखी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, एंड इसमें तीखापन के लिए हम लोग काली मिरी और वाइट पेपर यूज़ करेंगे जिससे हम लोग को लाइट एक तीखापन आएगा, और ये हम लोग ने ले लिया एक बड़ा चम्मच, 1 टेबलस्पून बड़ा चम्मच ले लिया है। ये हम लोग ने एक ढक्कन विनेगर ले लिया है, और ये 2 बड़े चम्मच हम लोग ने ले लिया है दही जिसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। सो चलिए फटाफट मैरिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये चिकन हमने ले लिया है, अभी हम लोग इसमें सबसे पहले डालें। सो गाइस अभी हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एंड साथ में इसमें हम लोग डालेंगे ये चिली फ्लेक्स, तो ये जो काली मिरी है हम लोग इसमें हाफ ही डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग इसकी काली क्रीम बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग को लगेगा। बाकी ये टोटल आइटम जो आप लोग देख रहे हैं सब इसमें जाएगा, टमाटो सॉस भी इसमें जाएगा, तो मैं फटाफट ये सब ऐड करके लोगों को। सो गाइज ये हमारा मैरिनेट हो चुका है, इसमें हम लोग 1 चम्मच भर के ना ऑयल डाल देंगे, ये ऑयल हमने डाल दिया, अब इसको फिर से मिक्स करके अच्छे से। सो गाइस देखिए मैंने उसको अभी रैप कर दिया, अभी हम उसको फ्रीज कर देते हैं। ऊपर डालने वाले हैं, सो ये हम लोग पहले इसमें बटर मेल्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग इसमें डालेंगे मैदे का आटा, इसको भून लेना है अच्छे से ताकि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। गैस को स्लो पे कर देते हैं, ये अच्छे से इसकी स्मेल चली जाए, एक अच्छी मीठी सी खुशबू आनी चाहिए इसमें। तो
चीज़ ये अभी भून चुका है, तो अभी हम लोग इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। तो ये मैंने कुछ एक ग्लास के करीब मिल्क लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी हम लोग इसमें जो हम लोग ने काली मिरी थोड़ी बचा के रखी थी और ये ऑरिगैनो, ये हम लोग इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके ये हमारा रेडी है। सिर्फ इसको अभी 2 मिनट और कुक करना है और ये हमारा रेडी हो गया। अभी हम लोग इसको साइड में रख देंगे, पहले चिकन को हम लोग बना लेते हैं। सो ये गाइस, जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था ये हो चुका है। सो चलिए अब इसको प्रिपेयर करते हैं। सो गाइस, हमने पैन रख दिया है, अब इसमें ज़रा सा बटर डालूंगी बिकॉज ऑयल इसमें ऑलरेडी है। ये हमने इसमें बटर डाल दिया है, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। जो भी मसाला इसमें है वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। ये देखो, हम लोग चिकन अभी डाल दिया फ्राई पैन में। अभी 5 मिनट में हम लोग इसको फ्लिप कर देंगे एक साइड से और फिर दूसरी साइड उसको। सो गाइस, ये हमारा चिकन जो है ये रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी रहने दिया है। अभी हम जो क्रीम बनाई थी वो क्रीम इसमें ऐड करेंगे। ये इस तरीके से हम लोग ने ऐड कर दिया है इसमें, और इसमें आप चाहे तो ऑप्शनल चीज़ भी डाल सकते हो, और ऊपर से थोड़ी हम लोग कोथमीर कट करके डालेंगे, धनिया। सो हमारा टर्किश चिकन रेडी हो चुका है, जो कि इंडियन टच से हम लोगों ने बनाया। सो आप लोग भी अपने घर में फटाफट से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।